आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे एक्सपर्ट को जो इन सब कंपनीज के अर्निंग्स को काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे हैं और काफ़ी प्रिसाइज व्यू उनका रहता है इन सब स्टॉक्स को लेकर और अर्निंग सीजन और अर्निंग्स को लेकर। प्रकाश दीवान को जोड़ लेते हैं शो में। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो क्योंकि आज एक आपका एक पसंदीदा स्टॉक टॉप गेनर है, उससे शुरुआत कर लेते हैं। टाटा मोटर्स, क्या आज ये एक गेम चेंजर टाइप ऑफ मूव लग रहा है आपको यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज एंड गुड टू हैव यू बैक। आशा करता हूँ आपकी छुट्टी आरामदायी और प्रेरणादायी रही होगी। देखिए, टाटा मोटर्स में जो जो री रेटिंग की शुरुआत हो रही है या आसार जो लग रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि ये जो होलसेल के आंकड़े आए हैं, जो कैश फ्लोज अब कंपनी हासिल करने सक्षम हो रही है, उससे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो काफी समय से एक उस पे लटका हुआ था, एक कि भाई ये होगा नहीं होगा, अटकलें बहुत लग रही थी, वो है डेट डीलेवरेजिंग। और टाटा मोटर्स ने जो एक वो दिया था, बयान दिया था कि हम कंप्लीटली 2025 तक नेट डेट फ्री हो जाएंगे, तो उसकी पहल होती हुई दिख रही है, उसकी सक्षमता बढ़ती हुई दिख रही है, और दैट आई थिंक इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर। तो वो अगर होता है तो बैलेंस शीट के तौर से भी ये बहुत इंप्रूव होगा, और ऑफकोर्स कमर्शियल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्होंने जो हासिल किया है, जो 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 बढ़त हासिल की है, मार्केट शेयर हासिल किया है, वो भी कहीं ना कहीं मायने रखेगा। सो चिप शॉर्टेज खत्म हो रही है, डिमांड आपकी एक्सपेंशन हो रही है, इनके प्राइस पॉइंट्स पे अलग अलग प्राइस पॉइंट में मॉडल एक्सेप्ट होने लगे हैं, तो ये सब देखते हुए डेफिनेटली एक री रेटिंग कैंडिडेट है, और ये हो सकता है यहाँ से स्ट्रेंथ पकड़ के वापस अपने पुराने हाइस की तरफ बढ़े, क्योंकि तो अंडर ओनरशिप भी है अनुज। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो इसमें कोई खास इस टाइप का बदलाव नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन आ गया हो या इस टाइप का कि हर एक के पास आ गया है स्टॉक, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से यस, इट कैन रियली हेल्प री रेट। चलिए, ये तो बात होगी टाटा मोटर्स की। जो दूसरा मैं स्टॉक अभी अभी डिस्कस कर रहा था प्रकाश जी, उस पर भी आपका व्यू दीजिए, बजाज फाइनेंस। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या व्यू है यहाँ पर और किस रीज़न से ये स्टॉक इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है? चलो जी, ये ना एक एक बहुत ही पेचीदा स्टॉक हो चुका है, जिसके पास है वो बेचना नहीं चाहता, लेने वाले आशिक इसके बहुत है, लेकिन इस गिरावट को देख के थोड़े से डरे हुए हैं कि कहीं और नीचे ना आ जाए, या और नीचे आए तो वो मौका बेहतर ना हो जाए। तो इसमें हुआ क्या है कि कंपनी की जो ग्रोथ थी, जो पहले पिछले 10 साल में हमने देखी है, वहां से इस मुकाम पे पहुंचते पहुंचते जो काफी कोई अच्छी चीजें थी वो प्राइस इन हो चुकी है। अब जो स्टॉक के अब जो कंपनी के बिजनेस में अगर कोई बदलाव आ रहा है तो वो फिनटेक की तरफ से आ सकता है, और वो फिनटेक वाला प्लेटफॉर्म अभी भी इतने स्केल पे शुरुआत उसकी नहीं हुई कि इतना कोई स्केल हासिल नहीं हुआ कि आपको उसपे पीएनएल पे असर दिखना शुरू हो, तो उसपे काफी मेहनत लगी है, काफी रिसोर्सेज उसपे एलोकेट किए गए हैं, लेकिन जो रिटर्न्स हैं वो अभी तक इस टाइप के दिखे नहीं है। तो अगर उसको हो सकता है 1 साल भी लग जाए, 6 8 महीने 12 महीने लग जाए, तो इस वजह से ये एक एक साइडवेज सा मूवमेंट इसमें रहेगा कि इंटरेस्ट बना रहेगा, और एक ट्रिगर इसमें पॉजिटिव साइड पे जो बता रहा हूँ, एक नेगेटिव साइड पे भी बताऊंगा। पॉजिटिव साइड में मुझे लगता है कि अगर इनफ्लोज आना शुरू होते हैं अनुज एफआईआई की तरफ से, तो वहां पे आपको ये डेफिनेटली इसमें एक एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी वेटेज की वजह से वो है कि होगा। और सेकेंड जो पॉजिटिव चीज ये है कि एनबीएफसी पे जो दबाव डेट फंड्स की टैक्सेशन को लेके एक चिंता थी कि भाई अब ये इतनी इजीली पैसा बटोर नहीं पाएंगे म्यूचुअल फंड्स की तरफ से अपने बॉन्ड्स इशू करके, पेपर इशू करके, वो चीजें इनको एटलीस्ट नहीं आएंगी। तो एक डिफरेंशियल जो है एक आम एनबीएफसी और एक बजाज फाइनेंस जैसी बहुत बड़ी सक्षम एनबीएफसी को मिल सकता है, वो एक एडवांटेज इनको मिलेगा, तो प्रीमियम थोड़ा सा वहां पे मेंटेन रहेगा। नेगेटिव साइड पे देयर इज नथिंग मोर, नो ट्रिगर, ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिख रही, लड़खड़ाती मतलब इन्होंने इतनी ग्रोथ की है कि वो एक आदत सी लग गई है, जब नंबर वन आता है क्लास में, फर्स्ट आता है बेटा, वो अगर थोड़ा सा सेकंड आ जाए तो आप चिंतित हो जाते हैं, ये नहीं सोचते कि 38 बच्चों से आगे है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात है, उस वजह से थोड़ा सा है, बट आई वुड बिलीव साइडवेज मूवमेंट ज्यादा रहेगा, कोई अपसाइड इतनी मेजर इमीजिएटली नहीं थी। ओके, एग्जैक्टली आपने बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर पे प्रकाश जी का व्यू सुना। अच्छा प्रकाश सर, ये एग्जैक्टली गुरुवार को ये पॉज जो आया, जो कि शायद बाजार की ज़्यादातर लोग की जो बिलीव था, जो लोगों का, उससे कहीं परे था।
इसको इसका एक बड़ा अच्छा एडवांटेज हम देख रहे हैं रियल स्टेट स्पेस में, जहाँ पे एक पॉज था अब वो फिर स्विंग दे रहा है, HFCs में काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। आपका इस चंक में क्या प्रेफर्ड कॉल रहेगा? दिवाली पे मुझे याद है अनुज ने मुहूर्त ट्रेडिंग पे ये सवाल पूछा था कि दिवाली पिक पे क्या रुपए क्या दिख रहा है। ऑफ कोर्स दिवाली पे कुछ ले तो वो खास ज्यादा चले ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस समय के माहौल को देखते हुए मुझे याद है हमने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस डिस्कस किया था, और उस लेवल से अगर आप देखें तो इसने एक बहुत बड़ा हाई भी अचीव किया, बहुत बढ़िया मूवमेंट भी अचीव किया ये 4-6 महीने में, और उसके बाद थोड़ी सी गिरावट भी आई। अब ये जिस लेवल पे जिस मुकाम पे आज है और राइट्स इशू भी इसमें अनाउंस हुआ है, विच इज वेरी अट्रैक्टिव, अगर आप शेयर होल्डर हैं शेयर धारक हैं तो इसमें राइट्स अवेल करके आपको बहुत अच्छा इसमें एक बेनिफिट भी मिल सकता है। इस कंपनी के हुलिये को अगर आप समझे तो देखिए इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो PSU की शुरुआत से चला था काफी सालों तक, अच्छे खासे मतलब दशकों तक ये एक दायरे में रहा इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रोथ, और अब जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है जिस टाइप की इसमें न्यू एनर्जी और वो कैपिटल इन्फ्यूजन से जो चेंजेस आ रहे हैं वो दिख रहे हैं, तो काफी कुछ क्लीनअप में जो टाइम लग गया वो हो गया, अब इसकी ग्रोथ जो है आगे चल के बहुत ये वही चीज कर सकता है जो कैनफिन होम्स ने की थी पिछले 5-7 सालों में। सो इस टाइप की ग्रोथ है, नए सेगमेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं ये लोग, कॉस्ट ऑफ फंड्स मैनेज कर पाएंगे, स्प्रेड्स अच्छे मैनेज कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि PNB हाउसिंग फाइनेंस इन द HFC इज अ वेरी गुड बेट, और हाउसिंग का ही बोलबाला अगर आप देखें तो प्रीमियम साइड में ज्यादा हो रहा है, चाहे वो शोभा के नंबर्स देख लें, DLF के देख लें, जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें से साफ जाहिर है कि कंजम्पशन हाउसिंग फाइनेंस में और कंजम्पशन के जो एरिया में महंगी चीजें हैं जो अभी भी बिक रही है, कोई उसमें इस टाइप का स्लो डाउन नहीं है जो अफोर्डेबल साइड में हुआ है। सो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसको एक HFC के पॉकेट में से चुना जा सकता है। ओके, HFCs के पॉकेट में PNB हाउसिंग।